एक दो दस बीस पचास नहीं बल्कि 10 करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई सहारा ग्रुप में फंसी थी। करीब करीब 2 दशकों से लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे थे, सरकारें आ रही थी सरकारें जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इन 10 करोड़ लोगों के बारे में सोचने का काम नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अब इन लोगों के बारे में सोचा है, सोचा ही नहीं बल्कि लोगों को जल्द से जल्द पैसा वापस मिलने वाला है। और अमित शाह के इस एक कदम से कम 10 करोड़ वोट मोदी के खाते में जुड़ सकते हैं। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। सालों पहले लोगों ने जो अपने खून पसीने की कमाई सहारा में इन्वेस्ट की थी वो देर से ही सरी, लेकिन अब लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि ये जबान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। गृह मंत्री ने 45 दिन में लोगों का पैसा वापस करने की बात कही। पहले आपको बताता हूं कि गृह मंत्री ने इस मामले पर क्या कहा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये घोटाला आखिर हुआ कैसे था। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिल सकेंगे। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों की रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। रिफंड पोर्टल पर निवेश के पैसे की वापसी से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फंड जारी किया गया, जिसके लिए सेबी को आदेशित भी कर दिया गया है। इस मामले को सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, क्योंकि सेबी के पास सहारा ग्रुप का 24,000 करोड़ रुपए पहले से जमा है। इसी पैसे में से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह फंड जारी किया गया। इस झोल में सबसे ज्यादा पैसा बिहार, झारखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के लोगों का है, लेकिन अब 10 करोड़ लोगों को उनका पैसा जल्द मिलने की एक ठोस उम्मीद बंधी है। पहले आप गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा ये घोटाला आखिर किया कैसे गया। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया, इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया था। हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, CBI वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपये से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापिस लौटाने की शुरुआत है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि आम आदमी की तरफ से वो खुद इस मामले को देख रहे थे और सभी के सहयोग से ये काम पॉसिबल हो सका है। अब आप देखिए कि सहारा घोटाला आखिर हुआ कैसे था। दरअसल साल 1978 की बात है जब एक नई कंपनी की शुरुआत हुई, नाम था सहारा इंडिया। गोरखपुर से यह कंपनी शुरू की गई बेहद छोटे स्तर पर, लेकिन धीरे धीरे यह कंपनी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाती चली गई। काम था गांव कस्बों के लोगों से पैसे लेकर उस पर उन्हें रिटर्न देना। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे लोग सहारा से जुड़ने लगे इस उम्मीद पर कि उनको निवेश के बदले अच्छी खासी रकम मिलेगी। सहारा की चिट फंड कंपनी बेहद कम वक्त में लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई। इसकी वजह भी थी सहारा ने लोगों को उनके निवेश पर मार्केट के मुकाबले काफी ज्यादा ब्याज दर वापस की थी। लंबे वक्त तक ये काम चलता रहा, पैसा निवेशकों से आता रहा और निवेशकों को रिटर्न मिलता रहा। ऐसे ही साल आया 2009, इस वक्त तक सहारा में निवेश करीब 86,000 करोड़ रुपए का पहुंच चुका था। लेकिन साल 2009 में सहारा की असली हकीकत सामने आई जब एक IPO को लेकर सहारा ने सेबी में आवेदन दिया। सेबी यानी वो संस्था जिसका काम भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करना है।
सेबी को सहारा के पैसे इकट्ठा करने के तरीके में कुछ गड़बड़ी नजर आई, जिसके बाद इसकी जांच करवाई गई। दरअसल जो करोड़ों लोगों से पैसा लिया गया था उनके अकाउंट में हेरा फेरी की गई थी। कंपनी के अकाउंट में कई ऐसे नाम जोड़ दिए गए थे जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। कंपनी इस निवेश की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दे रही थी। इसके बाद सेबी सहारा की दो कंपनियों को पैसा इकट्ठा करने के काम को बंद करने का आदेश देती है। इसके अलावा जिन लोगों का पैसा सहारा में जमा था उन्हें 15% की ब्याज दर से पैसा वापस लौटाने को कहा गया, लेकिन सहारा निवेशकों का पैसा सहारा समूह नहीं लौटा पाया। अदालत में केस चलता रहा और लोगों का पैसा फंसा रहा। सहारा पर मनी लॉन्ड्री के आरोप लगे। कंपनी के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा गिरफ्तार हुए और इन सब बातों से लोगों का पैसा फंसा रहा। किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख और किसी के 2 बहुत ज्यादा। लोग अपने ही पैसे के लिए कोर्ट के चक्कर काटते रहे, सहारा के एजेंटों से बात करते रहे, लेकिन कोई फायदा किसी को नहीं हुआ। अब सालों बाद सहारा के निवेशकों के लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर है कि उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा। भले अब शुरुआत में थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे सबका सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा और मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। आप मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।